दोस्तों, तो तुम लोगों में से कितने लोगों ने टेकन गेम खेला होगा कभी ना कभी, या सुना होगा, या फिर उसको कभी ना कभी स्टोरी मोड के साथ तो खेला होगा। जिन्होंने अगर स्टोरी मोड के साथ खेला हुआ टेकन को, तो वो आराम से एनिमे को समझ जाएगा। तो टेकन की स्टोरी लगभग शायद लोगों को पता हो कि हर एक करेक्टर का एक पर्सनल रीज़न होता है टेकन को ज्वाइन करने का। एंड टेकन जो है बदले में बहुत से पैसे दे देता है अगर टेकन खेले जो कोई भी। हियाची मिशिमा इस कंपनी को शुरू करता है और टेकन टूर्नामेंट की शुरुआत करता है। एंड हियाची मिशिमा का जो रीज़न होता है टेकन का, वो होता है डेविल ओगरे को ख़त्म करना। तो अगर क्या होगा टेकन का अगर एक एनिमी वर्जन हो जाए, आई मीन टेकन का कोई एक एनिमी, एक सिर्फ एक एनिमी मूवी है, बट क्या हो अगर टेकन के जैसा एक एनिमी वर्जन आ जाए तो। हाँ, टेकन की कोई एनिमी सीरीज तो नहीं है, पर वो एक टेकन के जैसे ज़रूर है। जब मैंने उस एनिमी को देखा मुझे अंदर से फीलिंग हुई कि ये थोड़ा बहुत एक टेकन के जैसा है। हाँ, तो मैं बात करूँ तो द गॉड ऑफ हाई स्कूल, तो मैं इसी के बारे में बताना चाहूँगा। तो रिव्यू शुरू करने से पहले अब मैं गॉड ऑफ हाई स्कूल की अगर मैं बात करती हूँ, इसके जो रूल्स है कुछ टेकन के जैसे ही होंगे। टेकन के जैसे होने का मतलब ये है कि इसमें कोई सी भी फाइटिंग स्टाइल यूज़ की जा सकती है। अब इसके मैं नाम के मैं बता दूँ गॉड ऑफ हाई स्कूल, तो इसमें जो हाई स्कूल है, अगर मैं बोलूँ इस टूर्नामेंट के अंदर सिर्फ हाई स्कूल स्टूडेंट ही पार्टिसिपेट सिर्फ करते हैं और कोई नहीं। अब इसके पीछे भी एक अलग कारण है, वो आगे हम बात कर लेंगे इसके ऊपर। बट ये जो टूर्नामेंट के अंदर जितने भी जन होंगे वो सिर्फ एक टीनेजर्स कीड ही होंगे। और गॉड ऑफ हाई स्कूल की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर जो हमारा जो मेन कैरेक्टर होगा वो होगा जीन मोरी। अब मैं बता देता हूँ गॉड ऑफ हाई स्कूल के टूर्नामेंट के अंदर वैसे होता क्या है। तो इसके अंदर जो होते हैं, जो पार्टिसिपेट हम बोल सकते फाइटर जो पार्टिसिपेट करते हैं, वो फाइट करते हैं। एंड वो एक टीम पहले वो फाइट करेगी, फिर फाइट में छोड़ जो फिर चैंपियन बनेगी, उस चैंपियन से फिर जो टीम बनेगी टॉप थ्री की, वो एक अलग टूर्नामेंट लेवल पे फाइट करेंगे। तो ये तो थी इनके बात। अब जो कोई भी अगर कंटेस्टेंट हम बोल सकते फाइटर जो गॉड ऑफ हाई स्कूल के अंदर फाइट करता है, उसको बदले में मिल जाते जो वो मांगे वो उसको मिल जाता है। इसी कारण वो फाइट करने के लिए रेडी थे, जो मांगो वो। तो इसके अंदर हर एक कैरेक्टर में ये बोल सकते हैं जो कोई भी गॉड ऑफ हाई स्कूल में जो फाइट कर रहा है उसका हर एक एक पर्सनल एक रीज़न है। तो मैं सिर्फ हमारे तीन मेन कैरेक्टर्स की सिर्फ बात करूँगा। पहले मैं बात कर लेता हूँ मीरा की। तो जो मीरा है वो इसका एक ही इंटेंशन है कि उसकी जो सॉर्ड है, जो वुड सॉर्ड जिसको वो यूज़ करती है, वो पॉपुलर हो जाए। एंड उसके पीछे भी एक कारण, उसकी एक बैक स्टोरी है उसके फादर से रिलेटेड। फिर मैं जो दूसरे कैरेक्टर की मैं बात कर लूँ वो है दवाई। जो है वो असल में जो फाइट कर रहा है वो अपने फ्रेंड के लिए कर रहा है, जो उसका फ्रेंड असल में एक पेशेंट एक कैंसर का मरीज, जो लिटरली उसकी डेथ कभी भी हो सकती है। उसके लिए वो फाइट कर रहा है कि अगर वो टूर्नामेंट जीत जाता है तो उसके फ्रेंड के इलाज अच्छे से हो पाएगा। और जो है जिन मरीज हमारा मैं शुरू में उसका उतना कोई बड़ा इंटेंशन नहीं होता है फाइट का, उसकी सिर्फ एक ही मोटिव रहती है कि वो बस एक स्ट्रॉन्गर बनना चाहता है। बट एक रेफरी होता है जो उसको हरा देता है, जिसके कारण जीन मोरी उसको अंदर पार्टिसिपेट करता है। बट सीजन के बीच के अंदर जैसे ही उसको पता चलता है कि उसके ग्रैंडपा के ऊपर अटैक हुआ है, जो उसके अंदर एक सीक्रेट सोसाइटी है, जो आने वाले सीजन में असल में मेन विलन वही बनेगी, उसके जानने के लिए जब वो पूछता है इसके बारे में तो उसको ये बोल दिया जाता है कि उसको इसके बारे में भी बता दिया जाएगा। बट अगर वो इस टूर्नामेंट के अंदर अच्छे से अगर फाइट करे लास्ट तक, तो इस टूर्नामेंट के अंदर बेसिकली हो क्या रहा है तो मैं बता देता हूँ कि जो इसके जो बिहाइंड का जो सीन है इसके पीछे का, वो ये है कि एक सीक्रेट सोसाइटी जो पावर को लेना चाहती है, जो गॉड लेवल की पावर होती है। एंड जो वो गॉड लेवल की पावर है वो कुछ ही लोगों के अंदर है, और कुछ ही लोग हैं जो उस गॉड जो भगवान की लेवल की पावर को एक्सेस कर सकते हैं।
तो जो ये गॉड ऑफ हाई स्कूल है, कुछ 6 जने जो इस पावर को पहले ही प्रोटेक्ट करना चाहते हैं उन सीक्रेट सोसाइटी से, जिसके लिए वो टीनेजर्स को चुनते हैं, क्योंकि वो जो टीनेजर्स है उनको वो शुरू में जब उनकी वो एज होती है उस पावर को यूज़ करने की, जहाँ से उनको एक्सेस करेंगे फर्स्ट टाइम, तो इसलिए वो उनको अपने अंडर में रखते हैं इस टूर्नामेंट के ज़रिए। अगर मैं बता दूँ इसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स होंगे जो ऑलरेडी पावर को पा भी चुके हैं और कुछ पाने की कोशिश करेंगे, जो जीन मोरी होगा वो अपने पावर को इस एपिसोड के अंदर लास्ट में पा लेगा इस सीरीज़ के अंदर। अगर मैं इस एनिमे सीरीज़ की अभी की विलन की मैं बात करूँ तो वो होगा जैक टेगल, सर मैं उससे शायद गलत नाम ले लिया हुआ। और इस एनिमे सीरीज़ के अंदर किसी भी कैरेक्टर को तुम लोग कम मत समझना। इस सीरीज़ में जो रेफरी है, 4 रेफरी, वो भी खतरनाक है। इस सीरीज़ में जो होस्ट होगा टूर्नामेंट का, उसको भी कम मत समझना। बट जिनको फाइटिंग में बहुत मज़ा आता है वो इस एनिमे को ज़रूर चाहिए कि वो एनिमे पूरी तरीके से एंटरटेन करती है। इस एनिमे की अगर मैं बात करूँ तो मुझे टेकन के जैसे रेफरेंसेस इसके बहुत लगे थे, क्योंकि टेकन के अंदर भी सेम ऐसी चीज़ें होती। मैं ये नहीं कह रहा कि टेकन के जैसा है, बट टेकन के जैसा सेम टू सेम तो नहीं, पर टेकन के थोड़े बहुत ये आइडियाज दे देता कि टेकन का भी सेम ऐसे टूर्नामेंट बेस था। फर्क कितना है कि वहाँ पर टेकन के अंदर डेविल को मारने की कोशिश कर रहा था हियाची मिशिमा, जो उसका खुद का बेटा। यहाँ पे पावर को लेने के लिए, सीक्रेट सोसाइटी को रोकने के लिए इस टूर्नामेंट को अरेंज किया गया है। और एक कॉमन चीज़ है कि टेकन के अंदर जीन कजामा को मेन माना जाता था और इस एनिमे के अंदर जीन मोरी को। नाम है कि बस हमने मान लिया कि इसके पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि जो ये एनिमे की जो स्टोरी है असल में कोरिया के अंदर बेस की है, कि कोरिया के अंदर है। और इसी कारण जो जीन मोरी उसकी जो फाइटिंग स्टाइल है वो टाइप 1 भी होगी। और ये एनिमे तुम्हें बोर तो बिल्कुल ही नहीं करी। इस एनिमे के अंदर जो एनिमेशन था मुझे बहुत अच्छी लगी, जो इसकी फाइटिंग स्टाइल थी एनिमेशन की वो तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी। और इसके आने वाले सीजन के लिए तो अभी बहुत टाइम होगा, बट इसकी तुम वेबटून मांगा भी पढ़ सकते हो किसी भी ऐप या फिर किसी भी वेबसाइट से। तो इससे ज़्यादा मैं और कुछ बता नहीं सकता, तो यहाँ पर मैं अपनी वीडियो पूरी करता हूँ।